प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, जिसके तहत इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम मुस्तैदी से लोगों को कर्फ्यू का पालन करवाने में जुटी है। दरअसल इंदौर के रीगल तिराहे पर लगातार बिना मास्क और बाइक पर 3 सवारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ ही उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इंदौर में जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम सड़कों पर मुस्तैदी से जुटी हुई है। हालांकि इस दौरान ऐसे कई लोग हैं जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसमें निगम और जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकतर लोग दवाइयों के नाम पर जो खाने के नाम पर सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम बार बार आग्रह कर रही है कि जनता कर्फ्यू लागू है, अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए बेवजह सड़कों पर ना घूमें। इसके बावजूद भी लोग बाइक पर 3 सवारी शहर का माहौल देखने के लिए आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि बेवजह घूमने वाले लगभग 103 लोगों को अभी तक अस्थायी जेल भेजा गया है। ये जो लोग बिगर कारण से या मास्क नहीं लगा के जा रहे हैं, तो माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा कल हमको निर्देश दिए गए थे, उसके तहत हम लोग इनके ऊपर चालान कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी लोग निकल रहे हैं उनसे किस कारण से, अगर उनका कारण अगर जिनाइन है तो हम उनको जाने दे रहे हैं, नहीं तो उनको अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। उसमें अभी हमने 2 बस भर के यहाँ से भेज चुके हैं, और उसमें ADM साहब भी थे हमारे और SDM साहब भी थे। आपका नाम? धीरेन्द्र बायस, जोन अधिकारी, जोन 9। वही जोनल अधिकारी धीरेन्द्र बायस ने कहा कि जिला कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश अनुसार लगातार शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जनता को सख्ती से लागू करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रीगल चौराहे पर अधिकतर लोग बगैर किसी कारण के घूमते हुए पाए जा रहे हैं। या तो कोई किसी बहाने से दवाइयाँ देने के नाम पे घूम रहे हैं, या फिर कोई खाने देने के नाम पे घूम रहे हैं। उनसे बार बार आग्रह किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि जनता कर्फ्यू लागू है, आप अपने खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घरों पर रहें। उसके बाद भी वो 2 या 3 लोग एक गाड़ियों पर दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिख रहे हैं, अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। अभी तक 130 लोगों को भेजा जा चुका है। मैं आप सभी समाचार पत्र और चैनल वालों के माध्यम से शहर के गणमान्य नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने शहर के लिए अपने घरों में रहें। 30 तारीख तक जनता कर्फ्यू लागू है, जब तक कोई अपरिहार्य कारण ना हो अपने घर से ना निकलें। अभी तक 130 लोगों को अस्थायी जेल भेजा जा चुका है। आप देख रहे हैं लगातार इस तरह के लोग जो बगैर किसी कारण के सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है।